आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, पूर्व विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता द्वारा बड़ा गणपति चौराहे से गोराकुंड चौराहे तक रोड चौड़ीकरण में बाधक हटाने का किया निरीक्षण। इस मौके पर सीओ स्मार्ट सिटी श्री ऋषभ गुप्ता, अधीक्षण यंत्री श्री डीआर लोधी, पूर्व पार्षद श्री जयदीप जैन, श्री दीपक जैन भी उपस्थित थे। इसके पश्चात आयुक्त द्वारा गोराकुंड चौराहे से किशनपुरा चौराहे तक का भी निरीक्षण। यहाँ के रहवासियों से बातचीत की गई है, कब तक सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा, क्या लगता है? कृष्णपुरा बड़ा गणपति चौराहे से कृष्णपुरा छत्तीस तक का जो रोड चौड़ीकरण का काम स्मार्ट सिटी है, ये हमारा स्मार्ट रोड रहेगा जिसमें जितनी भी यूटिलिटीज हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, स्ट्रॉन्ग वाटर हो, ड्रेनेज हो, गति लाइन और इलेक्ट्रिसिटी की लाइनों को सभी डक में रहेंगी और ये रोड नए सेक्शन के साथ में डेवलप होगा। इसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ के रहवासियों ने जो बेड थी, इसकी रिक्वायर्ड बेड थी, उसके अनुसार खुद से मकानों को, स्ट्रक्चर को हटाना शुरू कर दिया है। इस पूरे अभियान में यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, जो सभी विधायकगण है और सभी पार्षदगण है, उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने लोगों को समझाने में, लोगों को ट्रिगर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और यही इसी का परिणाम है कि हम लोग देख रहे हैं कि 15 दिनों के भीतर इस रोड का आधे से ज़्यादा काम निपट चुका है, जो बाधक तत्व हटने थे उसका। अपेक्षा कर रहे हैं हम लोग कि नेक्स्ट 7 to 8 डेज में ये रोड एंड टू एंड पूरा क्लियर होगी हम लोग के निर्माण के लिए और इसमें हम लोग निर्माण कार्य भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये व्यस्ततम रोड है और यहाँ लोगों के बहुत सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, लोग का आना जाना रहता है। इसीलिए इसको जब से हम लोग काम शुरू करेंगे तब से इसे 180 दिन की हम लोगों ने तैयारी रखी है कि 180 डेज में इसको बना करके तैयार करके वापस से चालू करें। प्राथमिक कितना क्या देंगे बटन पहले ड्रेनेज वगैरह काम शुरू होगा क्या? क्लियर हो जाता है, ROW क्लियर होगा, वैसे ही हम लोग जो यूटिलिटी डालनी है नीचे उन सभी का काम शुरू करेंगे। डक बन के सीवर का काम, वाटर सप्लाई की लाइन और इलेक्ट्रिसिटी की लाइन, ये सभी